जी सर अभी जबलपुर पुलिस की एक अति उल्लेखनीय कार्रवाई हुई है जिसमें ओमती थाने के हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध एनएसी की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध दो अपराध पंजीबद्ध हुए थे, एक थाना विजयनगर में जिसमें इनकी निशानेदेही पे एक गैरेज में इनकी जा कार रिपेयर होनी गई थी, इन्होंने संदेह के आधार पर अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को प्राणघातक हमला करवाया था, जिसके फलस्वरूप थाना विजयनगर में 307, 147, 148, 427, 120 बी का मुकदमा कायम किया गया था। इनकी अरेस्ट के लिए जब सर्चिंग की गई उसके बाद इनके घर से 5 बंदूकें जो कि 3 12 बोर की, 1 .22 और 1 .315 की मिली हैं, जो कुल 5 बंदूकें हैं। कुछ कारतूस भी मिले हैं जिसमें 8 कारतूस 12 बोर के और 7-8 कारतूस जो हैं वो 315 के हैं। साथ ही साथ इसमें 15 बकानुमा चाकू, जो आप देख सकते हैं कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर कोई इनसे प्रहार करे, वो भी इनसे जब्त हुए। इस अच्छी कार्रवाई के लिए मैं हमारे एडिशनल SP रोहित कासवानी, एडिशनल SP गोपाल खांडेल, CSP RD भारद्वाज, PI ओमती, PI कोतवाली एवं हमारा जो अन्य स्टाफ है वो बहुत बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इसमें कार्रवाई की जिसके कारण हम ये सीजर कर पाए। सर कभी हुआ है क्या? ये अभी और देखेंगे। ये बिल्कुल एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, इनसे अभी और पूछताछ में और हमारे जो अन्य जो सूत्र हैं उसमें आगे चलकर एक ये क्लेरिफाई करेंगे कि ये हथियार इनके पास कहाँ से आए हैं और इसका क्या प्रयोग हुआ। ये अभी इनके आस से जब्त हुई है, अब आगे ये इसका सोर्स का हम विवेचना पता लगाएंगे कि इनको ये कहाँ से मिली और इसका क्या प्रयोग किया जा रहा था। एक तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के करीबन 10 एक अपराध हैं इनके और 12 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। वर्ष 2012 में भी इन पर रासुका की कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके उपरांत भी इसकी इनकी कार्रवाइयों में कोई सुधार प्रतीत नहीं हुआ। सर एक इस अदालत वाले मामले में भी इनका नाम आया था, जिसमें इसमें बाहर UP में पकड़ी गई थी वो केस। अगर UP का होगा तो वहाँ की पुलिस से हम संपर्क करेंगे, कुछ अगर लिंक होगा तो उनको भी सूचित करेंगे। जी उसमें वो जो हमला इन्हीं की निशानेदेही पे हुआ था इसमें भी वो आरोपी और इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। इनका भतीजा है जो शाबाज है, वो अभी तक गिरफ्तारी इनके भतीजे की और इनकी हुई। इसमें विदेशी भी हैं, इसमें जैसे जितना मुझे ध्यान है एक शायद प्रथम दृष्टया हमें पता लगा है कि एक शायद इटली का कहीं का है और एक हथियार कहीं और का है, शायद अमेरिका का होना संभावित। अब ये जैसा आप बोल रहे हैं कार्रवाई हुई है जिसमें थाने के नाम इनको गिरफ्तार किया गया, इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध दो अपराध पंजीबद्ध हुए थे, एक थाना विजयनगर में जिसमें इनकी निशानेदेही पे एक गैरेज में इनकी जा कार रिपेयर होनी गई थी, उन्होंने संदेह के आधार पर अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को प्राण घातक हमला करवाया था, जिसके फलस्वरूप थाना विजयनगर में 307, 147, 148, 427, 120 का मुकदमा कायम किया गया था।
उसकी अरेस्ट के लिए जब पर्ची की गई उसके बाद उनके घर से 5 बंदूकें जो कि 3 12 बोल की 1.22 और 1.315 की मिली है, जो कुल 5 बंदूकें हैं। कुछ कारतूस भी मिले हैं जिसमें 8 कारतूस 12 बंदूकें और 7-8 कारतूस जो है वो 315 के होंगे। साथ ही साथ इसमें 15 बकानुमा चाकू जो आप देख सकते हैं जिसमें दाता जो हो सकते हैं वो इनसे प्रहार करें वो भी इनसे जब्त हो। इस अच्छी कार्रवाई के लिए मैं हमारे डिविजनल एसपी रोहित कासवानी, डिविजनल एसपी गोपाल कांडे, सीएसपी आरडी भारद्वाज, पीआई मंत्री पीआई कुटवानी एवं हमारा जो अन्य स्टाफ है वो बहुत बधाई का पात्र है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्रवाई की जिसके कारण हम ये सीजर कर पाए। सर कभी इन हथियारों का उपयोग हुआ है क्या? ये अभी और देखेंगे, ये पूरा एक अच्छा हमने प्रश्न पूछा है, इनसे अभी और पूछताछ में और हमारे अन्य जो सूत्र हैं उसका आगे चलकर ये निर्भर करेंगे कि ये हथियार इनके पास कहाँ से आए हैं और इसका क्या वेस्टर्न राइफल मिली कार्रवाई हुई है जिसमें मोटी थाने के स्पीकर उसको गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध एनएसी की कार्रवाई भी की जा रही है। करेंगे दो प्राप्त अभिगत हुए थे, एक थाना विजयनगर में जिसमें इनकी निशानेदेही पे इस गैरेज में इक्कीजा कार रिपेयर होने गई थी। इन्होंने संदेह के आधार पर अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को कार खा कर हमला करवाया था जिसके बावजूद थाना विजयनगर में 347 147 447 120 का मुकदमा कायम किया गया था।